नमस्कार सारे जहां से अच्छा में आपका स्वागत है। सारे जहां से अच्छा एक सफरनामा है जिसके पड़ाव हैं मनोरंजन और खोज खबर और जिसकी मंजिल है साक्षरता। तो आइए शुरू करते हैं नई जगहों और नए अनुभवों का एक और सिलसिला। और आज हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है तालों का शहर यानी अलीगढ़। और फिर हम चलेंगे राजस्थान के उस शहर में जहाँ मशहूर है पक्षी उद्यान भरतपुर। और इस यात्रा की कड़ी का अंतिम पड़ाव होगा हमारे देश की प्राचीन नगरी विदिशा। छोटे शहर की एक खास खुशबू होती है, एक अनोखा सा अपना। लेकिन आज की भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ ही लोग इसका अनुभव कर पाते हैं। आपके अनुभवों को और खूबसूरत बनाने का प्रयास ही सारे जहां से अच्छा है। और आज की इस कड़ी में हम हैं अलीगढ़ में। जी हाँ, अलीगढ़, जिसका नाम लेते ही ख्याल आता है तालों का या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। लेकिन यहाँ देखने के लिए और भी बहुत कुछ है, तो आइए यह सफरनामा शुरू करते हैं। अलीगढ़ का पुराना नाम कोल था और आज यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। अलीगढ़ की इस यात्रा में हमारा पहला पड़ाव था जयगढ़। यहाँ की सकरी गलियों में घुसते ही सुनाई देती है हथौड़ों की ठक ठक और रेती घिसाई की आवाजें, क्योंकि यहाँ घर घर में बनते हैं ताले। साइकिल स्कूटर के ताले, दराजों और अलमारियों के ताले, ग्लास लॉक, जेड लॉक, स्लाइडिंग लॉक, नंबर लॉक और ना जाने क्या क्या। तालों के साथ साथ यहाँ एक और दुनिया बसती है और वो है मूर्तियों की दुनिया। परिवार के सभी सदस्य, यहाँ तक कि औरतें और बच्चे भी पीतल के इस काम में जुटे हुए हैं। कारीगरों की इस बस्ती में हमें एक अनोखा प्रयास नजर आया। वो हाथ जो छैनी और हथौड़े चलाते हैं, अब किताबों के पन्ने भी पलटने लगे। पढ़ने लिखने के साथ साथ ये औरतें घर की आमदनी बढ़ाने में आदमियों का बराबर का साथ दे रही हैं। सदियों से चला आ रहा मूर्तियों और तालों का ये काम ऐसे ही लोगों की सच्ची मेहनत और लगन का नतीजा है और इन्हीं की कोशिश से आज ये कला हमारे बीच जिंदा है। आज ये कोई कलाकृतियों का संग्रहालय नहीं बल्कि एक बढ़िया सा शोरूम है। अलीगढ़ में किलो के भाव से बिकती इन मूर्तियों की कीमत विदेशों में कई सैकड़ों डॉलर है, जिसकी वजह से इस उद्योग को बढ़ावा भी मिला है। सूरज की किरणों से आकाश में बिखरे लाखों रंग, हर बूंद एक मोती दिखता, कण कण बिखरे लाखों रंग। हमारा अगला पड़ाव था पुरदिल नगर। कांच की चूड़ियों और मोतियों को बनते देखने की दिल की ख्वाहिश हमें यहां तक खींच लाई। खूबसूरत हुनर है जिसने पुरदिल नगर को भारतीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक खास पहचान दी है, भारतीय कारीगरी का एक उत्कृष्ट नमूना। पुरदिल नगर से हम निकले गांव मईनाथ के लिए। जब हम इस गांव में पहुंचे
तो यहाँ एक उत्सव चल रहा था। रंग बिरंगे कपड़े पहने इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये लोग हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा यानी किताबें, कक्षाएं, पढ़ाई लिखाई, जी नहीं, शिक्षा यानी लोकगीत, लोक संगीत, मेहंदी कार्यक्रम, रंगोली प्रतियोगिता और यहाँ साक्षरता का एक अनोखा ही रंग। ढोलक की थाप के साथ साथ यहाँ साक्षरता की गूंज भी सुनाई दी। दिन भर के काम के बाद अगर थोड़ा सा वक्त निकाल कर पढ़ लिया जाए तो क्या बुरा है, यही सोचकर ये लोग मैनाथ के इस प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में आते हैं। मगर अक्षर ज्ञान के साथ साथ और आगे पढ़ने की ख्वाहिश लेकर यहाँ से जाते हैं। शाम ढल चुकी थी मगर यात्रा अभी बाकी थी और इसीलिए इंतजार था अगली सुबह का। डॉक्टर जाकिर हुसैन, रफी अहमद किदवई, इस्मत चुगतई, शहरयार, राही मासूम रजा, जावेद अख्तर, नसरुद्दीन शाह, ये कुछ हस्तियां हैं जिन्होंने यहाँ तालीम पाई और आज अपनी पहचान बना ली है। जी हाँ, ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान का साकार सपना। सन 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल नाम से सर सैयद अहमद खान ने एक छोटे से मदरसे की शुरुआत की जो 2 साल में स्कूल और उसके बाद कॉलेज बन गया। यही कॉलेज सन 1920 में यूनिवर्सिटी बना। आज ये वो विशाल पेड़ है जिसकी छाया में बैठकर देश विदेश और सभी धर्मों के लोग शिक्षा हासिल कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने शिक्षा के रंग सिर्फ अपनी ही जमीन पर नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी बिखेरे हैं। ऐसा ही एक छोटा सा गांव है नगला किला। यहाँ 7 साल पहले पूरी तरह से निरक्षरता थी मगर आज यहाँ की कहानी कुछ और ही है। नीले आसमान को छूने का सपना यहाँ साकार कर रहा है विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा ये शिक्षा केंद्र। इस गांव की ज्यादातर आबादी निरक्षर मजदूरों की थी जिसकी वजह से यहाँ की लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था। साक्षरता कर्मियों के प्रयासों से यहाँ एक स्कूल खुला। शिक्षा ने इन लोगों की सोच को बदला और आगे बढ़ने के रास्ते दिखाए। इसी का नतीजा है कि अक्षर ज्ञान के साथ साथ इस गांव की लड़कियां व्यावसायिक प्रशिक्षण भी लेती हैं। खिलौने, पर्स, लॉक प्रिंटिंग, पेंटिंग जैसी चीजों को सीखकर ये खुद को भी काबिल बनाती हैं और अपने परिवार को भी आर्थिक मदद देती हैं। सुशीला 7-8 साल पहले अक्षर पहचानना भी नहीं जानती थी मगर अब वो हाई स्कूल पास है। अब सुशीला अपनी जैसी कई और लड़कियों को पढ़ाती भी है और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देती है। कहानी सिर्फ अलीगढ़ की नहीं बल्कि देश के हर कस्बे, हर गांव
हर शहर की होने जा रही है, जिसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे सारे जहां से अच्छा में। अंचल में सुनहरे इतिहास एवं ब्रज संस्कृति की अमूल्य धरोहर संजोए हुए हैं। इतिहास गवाह है कि भरतपुर वीरों की खान रहा है। जहां वीर होंगे वहां युद्ध होंगे, और जहां युद्ध होंगे वहां वीरता से जुड़े हुए किस्से भी होंगे। जाट बादशाहत का साक्षी भरतपुर आज भी अपनी पुरातन गरिमा को दोहरा रहा है। तोपों की नगरी भरतपुर में महाराजा सूरजमल की गौरवशाली वंश परंपरा के चिन्ह आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ये है महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह के द्वारा बनाया गया जवाहर बुर्ज। यहीं से जवाहर सिंह ने दिल्ली पर चढ़ाई के लिए कूच किया था। महाराजाओं की धार्मिक आस्था का प्रतीक है यहाँ का गंगा जी का मंदिर, जिसे महाराज बलवंत सिंह ने सन 1902 में बनवाया। इस विशाल एवं भव्य मंदिर पर की गई बारीक नक्काशी न केवल अद्भुत है, बल्कि आने वाले दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जितने भव्य हैं भरतपुर के किले, उतना ही आकर्षक है यहाँ का गंगा जी का मंदिर। लोगों की मान्यता है कि अगर भरतपुर आकर इस मंदिर के दर्शन ना हो तो भरतपुर की यात्रा अधूरी रह जाती है। बारीक नक्काशी का अनूठा नमूना है ये मंदिर, जहां प्रातःकाल लोग पूजा के थाल समेत आरती के लिए पहुंचते हैं। हल्के हल्के स्वरों में होता मंत्रों का उच्चारण दर्शनार्थियों को असीम तृप्ति प्रदान करता है। भरतपुर की वीरोचित भूमि के मुख्य आकर्षणों में यहाँ का पक्षी विहार दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आसमान को सतरंगी रंग से रंगने वाला ये सूरज भरतपुर के पक्षी विहार के लिए हर रोज एक नई सुबह का संदेश लाता है। इस पक्षी विहार को घना के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर से 5 किलोमीटर दूर स्थित ये पक्षी विहार लगभग 35 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में श्रीलंका, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यूरोप तथा अन्य देशों से आने वाले रंग बिरंगे पक्षी शामिल हैं। यहाँ की आबोहवा से ये पक्षी दूर दराज के क्षेत्रों से खिंचे चले आते हैं और अपनी सुंदरता से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। न केवल राजा महाराजाओं बल्कि आम आदमी की शान और शौकत को चार चांद लगाती ये रंग बिरंगी गोटेदार पगड़ियाँ, जो कि आज भी राजस्थान के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। राजपूताना घरानों के मान सम्मान का प्रतीक ये पगड़ियाँ भरतपुर की एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। मैया पड़बे भेजो मोहे, तुम्हारी मति क्यों गई मारी रे। ये केवल किसी गीत की पंक्तियां नहीं है, बल्कि इन महिला साक्षरता प्रेरकों द्वारा किए गए दृढ़ निश्चय की आवाज है। लोकगीत की धुनों में पिरोया गया ये साक्षरता गीत आज भरतपुर के गली कूचों में गूंज रहा है। शिक्षा को एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए इन प्रेरकों को तमाम मुश्किलों से गुजरना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी।
घूंघट और पल्लू से झांकती ये आंखें आज आत्मविश्वास से चमक रही हैं, और इस आत्मविश्वास की नींव है साक्षरता। साक्षरता अभियान जिसके पीछे न केवल साक्षरता प्रेरक हैं, बल्कि स्कूली अध्यापक भी शामिल हैं। इन अध्यापकों ने समय का सदुपयोग करते हुए निस्वार्थ भाव से जन सामान्य को शिक्षित बनने के लिए प्रेरित किया। भरतपुर जिला साक्षरता समिति ने कुछ मंझे हुए कलाकारों का सहारा लिया। इनके बोलों में संगीत का जादू है, और अगर बोल आखर पाती यानी अक्षर ज्ञान की बातें करते हो तो सुनने वालों तक एक सार्थक संदेश पहुंचता है। भरतपुर के बाद आइए चलते हैं डीग, जिसे प्राचीन काल में दीर्घपुर के नाम से भी जाना जाता था। भरतपुर के महाराजा सूरजमल के पिता बदन सिंह ने यहाँ वर्षों राज किया। लगभग 250 वर्ष पुराने यहाँ बने ये जल महल न केवल देश के लिए बल्कि विश्व के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। राजस्थान के पूर्वी छोर पर और भरतपुर से 37 किलोमीटर दूर डीग के जल महल विश्व भर में अपनी अनोखी पहचान बना चुके हैं। सैकड़ों वर्षों के बाद भी ये भवन आज भी आकर्षक एवं मनमोहक बने हुए हैं। यहाँ के केशव भवन, गोपाल भवन, सावन भादो भवन न केवल अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, बल्कि दूर दूर से आने वाले सैलानियों के लिए एक चमत्कारी दृश्य उत्पन्न करते हैं। मुगल शैली की चार बाग पद्धति पर बने यहाँ के जल महल सुंदर बाग बगीचों से परिपूर्ण है। हाथों में हाथ लिए आखर का साथ लिए, जी हाँ, साक्षरता का ये नारा सोहनपुर गांव की गली कूचों में गूंज रहा है। यहाँ के स्थानीय कलाकार गोप ने तो जैसे जन जन को शिक्षित करने का बीड़ा उठा लिया है। आइए देखते हैं इस गांव में चल रही साक्षरता अभियान की एक झलक। भरतपुर के डीग कस्बे से जुड़े सोहनपुर गांव ने निरक्षरता के बोझ से मुक्ति पा ली है। स्थानीय कलाकार गोप ने जिस कदर जनमानस को साक्षरता से जोड़ा है वो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन इससे भी ज्यादा तारीफ के हकदार हैं यहाँ के लोग, जिन्होंने साक्षरता कार्यक्रमों में भारी मात्रा में हिस्सा लेकर इसे सफलता के शिखर तक पहुँचाया। हम ऐतिहासिक नगरी विदिशा में हैं। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के महान शासक सम्राट अशोक की धर्मपत्नी देवी की ये नगरी अपने गौरवशाली अतीत का जीवंत दर्शन कराती है। आइए चलते हैं उदयगिरी की गुफाएं, जो अपने अद्वितीय शिल्प के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तक फैली उदयगिरी की गुफाएं पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। यहाँ उकेरी गई मूर्तियां 4वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाई गई हैं। ये मूर्तियां अधिकतर वैष्णव एवं शैव धर्म से संबंध रखती हैं। हिंदू देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती यहाँ की मूर्तियां इन्हें अलग अलग रूपों में दर्शाती हैं। पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान वाराह नागराज को अपने बाएं चरण में दबाए हुए हैं तथा पृथ्वी की प्रतीक देवी को अपने दाहिने हाथ पर धारण किए हुए हैं। विदिशा जिले के ग्यारसपुर में बना प्रतिहार कालीन माला देवी का ये भव्य मंदिर 11वीं शताब्दी की कलात्मक अभिरुचि का एक जीता जागता उदाहरण है। ये मंदिर पर्वत की पूर्वी ढलान पर बना है। मंदिर के द्वार एवं चौखटों पर गंगा, यमुना तथा अन्य हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का सुंदर अंकन किया गया है। साथ ही जैन, यक्ष, यक्षिणी
तथा तीर्थंकर प्रतिमाओं से युक्त यह मंदिर अपनी शोभा में बेजोड़ है। विदिशा में तत्कालीन देश के लोकप्रिय वैष्णव धर्म का पहला स्तंभ एक विदेशी यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने खड़ा किया। इस विशाल गरुड़ ध्वज स्तंभ को स्थापित करवाने वाला सम्राट अशोक के पश्चात ये पहला स्तंभ निर्माता था। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार हेलियोडोरस ने वैष्णव धर्म को अपनाया था। बेतवा नदी के घाट पर बना चरण तीर्थ मंदिर विदिशा का सौभाग्य है। कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण अपने 14 वर्ष के वनवास के समय यहाँ आए थे। जिस स्थान पर उनके चरण पड़े लोग उसे चरण तीर्थ के नाम से जानते हैं। अक्षर अक्षर पढ़ के भैया, अक्षर अक्षर पढ़ के भैया, सबरे आगे बढ़ गए। तुम भी पढ़ लो कल्लू काका, काए पीछे रह गए। तुम भी पढ़ लो कल्लू काका, काए पीछे रह गए। अक्षर अक्षर पढ़ के भैया, अक्षर अक्षर पढ़ के। इस गांव का नाम बेसनगर है और ये अत्यंत प्राचीन हजारों वर्ष पूर्व का इसका इतिहास है। बेसनगर का साक्षरता के मामले में इस गांव में साक्षरता की बराबर चौपाल चल रही है और सारी महिलाएं और पुरुष निरक्षर हैं वो बराबर नियमित रूप से यहां आ रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हम वर्ष अंत तक दिसंबर तक इस गांव को बेसनगर को संपूर्ण साक्षर करने का हमारा लक्ष्य रखा है और हमको विश्वास है कि हम लक्ष्य पे पूर्ति अपने कर पाएंगे। खंडवा गांव के ये लोग साक्षरता के प्रचार प्रसार में जी जान से जुटे हुए हैं। साक्षरता की लहर से जुड़ा ये एक ऐसा मंच है जहां से साक्षर बनने का संदेश घर घर पहुंचाया जा रहा है। इस संदेश को पहुंचाने के मनोरंजक तरीके इनकी जमीनी आवाज है। जिले में गांव-गांव शिक्षा गारंटी केंद्र खोले गए। साक्षर बनने के इस अभियान में ग्रामीण महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद जो समय मिलता है वो गुरु जी के नाम समर्पित है। बेसनगर में चल रही महिलाओं की ये साक्षरता कक्षा निरक्षर महिलाओं की जिंदगी से जुड़ी एक हकीकत है। वर्षों तक इन महिलाओं ने निरक्षरता का बोझ ढोया है जिसे सिर्फ अक्षर साधना के बल पर ही जीता जा सकता है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा चलाई गई शिक्षा गारंटी योजना ने निश्चित रूप से इन कामकाजी महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया है। पढ़ाने वाले गुरुजी भी निस्वार्थ भाव से इस नेक काम को पूरा करने में लगे हैं। इस गांव में इन ग्रामीण बच्चों को स्कूल नसीब नहीं है। इमारत हो या न हो पढ़ने लिखने की इच्छा तो है, स्कूली वर्दी पहनकर स्कूल जाने की इच्छा तो है। ग्रामीणों के सदप्रयास से गांव के इन बच्चों के लिए एक झोपड़ी में स्कूल का आयोजन किया गया है। यहां नियुक्त किए गए गुरुजी को पंचों के द्वारा मेहनताना भी दिया जाता है। ग्राम शिक्षा समितियों ने भी साक्षरता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीणों को शिक्षा के एहसास से हर पल जोड़े रखना गांव के मुखिया लोगों की जिम्मेदारी बन चुकी है। ग्रामीण अंचल की समस्याएं शिक्षा के इर्द गिर्द लिपटी हैं। यदि शिक्षा की गुत्थी सुलझ गई तो विकास का रास्ता साफ है। ये बात इन ग्रामीणों को समझाए बिना आगे की मंजिल तय करना मुश्किल है। गांव के मुखिया लोग इस बात को भली भांति जानते हैं और यही कारण है कि सप्ताह में एक बार आपसी सहयोग से एक जनसभा आयोजित की जाती है और उसमें साक्षर भविष्य के सपने देखे जाते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम, हमें लिखना ना भूलिएगा। हमारा पता है सारे जहां से अच्छा, पोस्ट बॉक्स 3848, नई दिल्ली 110049।
हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। नमस्कार।